नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड डे न्यूज की जो सबसे ताजा खबर आ रही है वो है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचित होने के बाद मतदाताओं का आभार प्रकट करने के लिए वायनाड जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार राहुल गांधी ने दो लोकसभा सीटों अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने निजी व्यवस्थाओं का हवाला देकर पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। वहीं अब एजेंसी ने उन्हें 10 या 11 जून को पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने आईसीआईसी बैंक वीडियोकॉन कर्ज घोटाले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ईडी कोचर को इस मामले में पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारी आवास में रहेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने कृष्णा मेनन मार्ग स्थित वाजपेयी के आवास को गृह मंत्री के नाम से आवंटित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी नई सरकार के गठन के बाद मालदीप और श्रीलंका दौरे के बाद संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अगले सप्ताह बिश्केक जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। यूपी में मोबाइल नंबर की तरह कार नंबर को भी पोर्ट किया जा सकेगा, जिसकी अनुमति उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र ये कदम बढ़ा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के बेहतर परिणाम का लाभ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी मिल रहा है और यही कारण है कि एवीबीपी ने चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर ही शिक्षण संस्थानों में 22 नई शाखाएं खोल दी हैं। विश्व बैंक को भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज विकास दर का भरोसा हो, लेकिन आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में यह अनुमान घटा दिया है। दरअसल आरबीआई के अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7% रह सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए राज्य में पार्टी के 12 विधायकों ने अब तेलंगाना राष्ट्र समिति का दामन थाम लिया है। दरअसल कांग्रेस के एक दर्जन विधायकों ने इससे पहले स्पीकर पी श्रीनिवास से मिलकर मांग की थी कि वह उन्हें सत्तारूढ़ दल में शामिल होने की अनुमति प्रदान करें, जिस पर विचार करने के बाद स्पीकर ने इन सभी विधायकों को टीआरएस के सदस्य के रूप में मान्यता दे दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने गुरुवार को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कमर कसते हुए पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ने सभी जिलों के एसपी को आदेश दिया है कि जिन स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुजरात यूनिवर्सिटी ने अलग अलग प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने बीकॉम, बीएससी, बीसीए सहित अन्य प्रोग्रामों के लिए आवेदन किया था, वे वेबसाइट gujaratuniversity.ac पर जाकर विजिट करके अपनी अंतिम मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश में इंदौर का देवी अहिल्या बाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले साल तक जीरो वेस्ट प्रोड्यूस का तगमा हासिल कर लेगा। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो इंदौर एयरपोर्ट ऐसा करने वाला राज्य का पहला एयरपोर्ट होगा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर मार्केट की शुरुआत बढ़त के साथ हुई है। दरअसल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 52.05 अंकों की बढ़त के साथ 39,581.77 पर खुला, तो वहीं निफ्टी 21.45 अंक उछलकर 11,865.20 पर खुला। आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। भारी गर्मी का सामना कर रहे देश के कई राज्यों में लोगों को आज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत अधिक बारिश होने की उम्मीद है और इसके साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य केरल में भी भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। आज शुक्रवार 7 मई को भी पेट्रोल डीजल के दामों में काफी गिरावट देखने को मिली है, जिसके तहत आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 13 पैसे घटकर 70.94 रुपए प्रति लीटर का हो गया है, तो वहीं डीजल की कीमतों में 32 पैसे की कमी आई है, जिससे आज प्रति लीटर डीजल की कीमत दिल्ली में 64.90 रुपए हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिक्षा वर्ग के दूसरे वर्ष के प्रशिक्षण शिविर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रभक्ति का पाठ स्वयंसेवकों को पढ़ाया। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और राष्ट्रभक्ति की भावना दिल में होनी चाहिए, दिखावे में नहीं।
पश्चिम बंगाल में जारी घमासान के लिए पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा है कि भाजपा के किसी भी विजय जुलूस को राज्य में इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस को इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वर्ल्ड कप 2019 को खास बनाने के लिए नोकिया ने भारतीय यूजर्स के लिए नोकिया मैच डेज सेल का आयोजन किया है। आपको बता दें कि सेल में नोकिया के स्मार्टफोन्स पर 20% तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे जल की समस्या को लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। गृह विभाग ने सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और पानी सप्लाई वाली जगहों पर पुलिस बल तैनात करने की भी तैयारी चल रही है। यह थी अब तक की फटाफट खबरें। अब उनके लिए अच्छी खबरें जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 10 नई वैकेंसीज के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इसीलिए आप इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए और इस पर अमल कीजिए, हो सकता है आपको इनमें से कोई नौकरी मिल जाए। यहाँ सबसे पहली वैकेंसी है हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC में। यहाँ पदों की संख्या 26 है। पद का नाम है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 18 जून 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार हरियाणा लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आवश्यक योग्यता संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक की आयु 21 से 40 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतन मान 50,000 रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.hpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप HPSC नहीं जाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यह वैकेंसी है नवोदय विद्यालय में। यहाँ पदों की संख्या है 370। पद का नाम है PGT, TGT व अन्य। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 10 जून 2019। आवश्यक योग्यता है PGT कम से कम 50% अंकों के साथ, MA, MSc, MCOM या समकक्ष एवं BEd होना चाहिए। आवेदक की आयु 23 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 22,500 रुपए। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.navodaya.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने भी वैकेंसी निकाली है। अगर आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 39 है। पद का नाम है फैकल्टी। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 15 जून 2019। आवश्यक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से PhD डिग्री के साथ, न्यूनतम 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। आवेदक की आयु 20 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 50,000 से 65,000। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.tis.edu पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो आप दिल्ली हाई कोर्ट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी वैकेंसी निकाली है। अब इसे ज्वाइन करने के लिए इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए। यहाँ पदों की संख्या 53 है। पद का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 23 जून 2019। आवश्यक योग्यता है LLB। आवेदक की आयु 25 से 55 होनी चाहिए। पे स्केल 61,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.delhihighcourt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह भी नौकरी लगता है आपके लायक नहीं है तो आप नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 44 है। पद का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 14 जून 2019। आवश्यक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन होना चाहिए। आवेदक की आयु 23 से 40 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतन मान 35,000 से 41,540 रहेगा। आवेदन करने के लिए आप www.nationalfertilizers.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप NFL में नहीं जाना चाहते हैं तो आप सूरत नगर निगम में आवेदन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 555 है। पद का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर सुपरवाइजर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 21 जून 2019। आवेदक की आयु 20 से 30 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है BTech। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतन मान 30,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.suratmunicipal.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको यह नौकरी भी अच्छी नहीं लगी तो आप मिकान लिमिटेड ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या है अन्य पद। पद का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव जूनियर इंजीनियर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 20
30 जून 2019 आवेदक की आयु 21 से 30 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। पे स्केल 25,650 रुपए। आवेदन करने के लिए आप www.mekonlimited.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडियन आर्मी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 100 है। पद का नाम है सोल्जर जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 8 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है 12वीं पास। आवेदक की आयु 18 से 25 होनी चाहिए। पे स्केल 26,100 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि रामा गुड़कम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ने भी भर्ती निकाली है। यहाँ पदों की संख्या 44 है। पद का नाम है नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रुप सी। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 16 जून 2019। आवश्यक योग्यता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में रेगुलर बीएससी डिग्री के साथ केमिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। आवेदक की आयु 23 से 37 होनी चाहिए। पे स्केल 50,000 से 65,000 रुपए। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार www.rfcl.co.in/careers2.php पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 9 है। पद का नाम है हेड टीचर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 10 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है डिप्लोमा ग्रेजुएट। आवेदक की आयु 25 से 30 होनी चाहिए। पे स्केल 41,000 रुपए। आवेदन करने के लिए आप www.crpf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी मिडडे की ताज़ा खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।